हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो आज शिवरात्रि है एंड आई नो मैं ये ब्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, बट शूट किया था तो आप तक तो पहुँचना ही था। तो चलो आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। एंड मैं आज आपको ये नहीं बताऊँगी कि आज मैं कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ कर रही हूँ, बल्कि आज मैं आपको बताऊंगी कि सौंदर्य प्रसाधनों का इतिहास क्या है, यानी कि हम मेकअप क्यों करते हैं, कब से करते आ रहे हैं और मेकअप का आविष्कार किसने किया था, ये जो हम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं इनका आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो मैं आज आपको ये सब चीज़ें बताने वाली हूँ। आफ्टर ऑल हम फीमेल्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, यानी कि जो ये मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं श्रृंगार की वस्तुएँ होती हैं, ये हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कॉस्मेटोलॉजी होता क्या है, सौंदर्य प्रसाधन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंड क्या आपको पता है कॉस्मेटोलॉजी यानी कि कॉस्मेटिक्स का जो इतिहास है यानी हिस्ट्री, ये 7000 साल पुरानी देखी गई है और पृथ्वी के लगभग हर भाग में मौजूद है। कॉस्मेटिक का एक सिंपल सा अगर आप अर्थ समझोगे ना, तो इसका मतलब होता है बॉडी आर्ट, बॉडी पेंटिंग। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो। और ऐसा माना जाता है कि कॉस्मेटोलॉजी यानी कॉस्मेटिक्स की चीज़ों का जो आविष्कार है वो मिस्र के लोगों ने किया था, और मिस्र के पुरुष और नारी यानी कि फीमेल और मेल दोनों ही अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ किया करते थे। और इन सब चीज़ों के सबूत के तौर पे हमें पेंटिंग्स मिली हैं, कुछ पहले ज़माने की डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, पहले ज़माने के दस्तावेज मिले हैं, जिनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि पहले ज़माने के मेल्स फीमेल्स दोनों ही मेकअप की प्रैक्टिस किया करते थे। और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हमें पता चलता है कि मेकअप हिस्ट्री 7000 साल पुरानी है। और ये किस लिए किया जाता था, बॉडी को सुंदर दिखाने के लिए, और ताकि बॉडी के अंदर से यानी शरीर के अंदर से अच्छी गंध आए यानी सुगंध आए। ठीक है, अगरबत्ती तेल और कई चीज़ों का उपयोग किया जाता था। उस टाइम की महिलाएं अपने चेहरे पे धूप से बचने के लिए कुछ सफ़ेद रंग का यूज़ किया करती थी, और मिस्र के जो लोग थे ना उन्होंने ही सबसे पहले सुरमा यानी काले रंग के पेंट का यूज़ किया था आईलाइनर के रूप में अपनी आँखों पे लगाने के लिए। ठीक है, और प्राकृतिक ब्लश बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि फूल को क्रश कर दिया, यानी फूल को कुचल के फूलों में से जो जूस निकलता था ना यानी उसका रस निकलता था, उस रस को वो अपने चिक्स पे लगाती थी अपने गालों को रेड करने के लिए, अपने गालों पे ब्लश लाने के लिए। ठीक है, और अगर फूल भी अवेलेबल नहीं होते थे तो वो क्या करती थी, अपने गालों पे चुटकी भर लेती थी जिसकी वजह से उनके गाल रेड हो जाते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कोहल यानी कि काला रंग, ठीक है, इसकी जो जड़ें हैं ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी, उत्तरी अफ्रीका में से हुई थी। तो मिस्र के लोग बहुत ही आम तौर पे काले नीले और गहरे रंगों का उपयोग किया करते थे, काला नीला और लाल रंग ये बहुत ही आम तौर पे यूज़ हुआ करता था आँखों पे आई शेडो अप्लाई करने के लिए, आईलाइनर अप्लाई करने के लिए। प्राचीन मिस्र के जो लोग थे उन्होंने फ्यूक्स एलिंगन और 0.01% आयोडीन और कुछ ब्रोमाइन मेन नाइट से लाल रंग निकाला अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने के लिए, लेकिन इससे बाद में बीमारियां होने लगी तो फिर धीरे धीरे इसका प्रचलन बंद होता चला गया। ठीक है, और उस टाइम पे जब मतलब ये कोहल यानी काले रंग का जब यूज़ किया जाता था तो ये मोस्टली ना नेचुरल तरीके से बनाने की कोशिश करते थे सब लोग, और बिल्कुल प्राकृतिक रूप से कैसे बनाते थे, दिया नीचे रख के और उसके ऊपर कोई बर्तन या पात्र रख के नीचे दिए की लौ से जो कालिस यानी काला रंग निकलता था ना उसकी राख को आँखों पे अप्लाई किया जाता था। ठीक है, आँखों के ऊपर और पलकों पे लगाया जाता था एज अ काजल और आईलाइनर। और कॉस्मेटिक्स का यूज़ सिर्फ ब्यूटी के लिए यानी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता था, पुण्य पाने के लिए, आयुष यानी कि लॉन्ग लाइफ, ठीक है, और आरोग्यम यानी कि गुड हेल्थ के लिए, एंड आनंदम यानी हैप्पीनेस
इन चीज़ों के लिए भी किया जाता था, और कई बार तो काले जादू के लिए भी, लोगों को डराने के लिए भी मेकअप का यूज़ किया जाता था। मौर्यन एरा से लेके गुप्त एरा तक अगर देखा जाए तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र और कालिदास का शाकुंतलम और भी बहुत से पौराणिक महाकाव्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि पुराने टाइम पे भी मेकअप की प्रैक्टिस फीमेल्स और मेल्स दोनों के द्वारा की जाती थी। ठीक है, विशेषक इस शब्द से कालिदास का मतलब था बॉडी पेंटिंग, यानी कि बॉडी पे पेंट करने की कला को विशेषक का नाम दिया था उन्होंने। और पता है बॉडी को पेंट करने के लिए किन चीज़ों का यूज़ किया जाता था? गौरवचन, ठीक है, कस्तूरी, चंदन, कुमकुम, इन सभी का पेस्ट बना के फिर यूज़ किया जाता था इनको, या फिर इनको पाउडर फॉर्म में बना के रख लेते थे और जब भी यूज़ करना होता था इसमें हल्का सा पानी मिला के या फिर कोई और लिक्विड मिला के फिर यूज़ किया जाता था जो कि बॉडी पे अप्लाई करना होता था। मालवी काग्नी मित्रम में आलकता नाम के लाल रंग के बारे में भी बताया गया है, जिसे आज हम आलता भी बोलते हैं। और आलता फीमेल्स के पैरों को रंगने के लिए यूज़ किया जाता है। पैरों की सुंदरता तो ये बढ़ाता ही है, साथ ही साथ जो क्लासिकल डांसर्स होते हैं यानी कि डांस करने वाले नृत्यका और नृत्यक यानी कथक करने वाले, वो अपने पैरों पे आज भी आलते को अप्लाई करते हैं ताकि उनके पैरों की सुंदरता बढ़े और डांस करते वक्त उनके पैर ठंडे रहें। एंड कथक करते टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई जाती है, बहुत ब्यूटीफुल आर्ट बनाया जाता है फेस पे। और कथक भारत की बहुत ही प्राचीन नृत्य कलाओं में से एक है। और कथक करते समय जो फेस पे पेंटिंग की जाती है ना, ब्यूटीफुल आर्ट किया जाता है, उसे कालिदास ने अपने एक महान काव्य में एक वर्ड से डिफाइन किया है, विशेषक। विशेषक इसका मतलब होता है बॉडी पेंटिंग यानी बॉडी आर्ट। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि आज भी बंगाली शादियों में दुल्हन को आलता और चंदन लगाया जाता है उनके पैरों में। अब विशेषक के बाद जो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेकअप के लिए यूज़ की जाती थी, श्रृंगार के लिए यूज़ की जाती थी, उसे कहते थे गंध युक्ति यानी कि परफ्यूमरी। परफ्यूम्स और सेंट्स को लगाना भी पौराणिक समय में उतना ही प्रचलित था जितना आज है। क्या आपको पता है 4500 BC में लिखी गई ऋग्वेद में यह साफ साफ लिखा है कि पुरातन काल में अरोमाथेरेपी आयुर्वेद के साथ एग्जिस्ट करती थी यानी की जाती थी। और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आ गया था जब प्राचीन भारत ने सेंट्स, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स में महारत हासिल कर ली थी। 6th century के एक बहुत महान एस्ट्रोलॉजर थे इंडिया के, जिनका नाम वारा मेयर हुआ करता था। उन्होंने बहुत ही महान काव्य लिखा बृहद संहिता, जिसमें उन्होंने पूरा एक चैप्टर परफ्यूमरी के ऊपर दिया हुआ है। इसके 17th चैप्टर में लिखा हुआ है कि कैसे परफ्यूम बनाने वाले जो स्पेशलिस्ट हुआ करते थे वो सिर्फ 16 इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग प्रोपोर्शंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में मिलाकर कैसे 174,720 तरह के सेंट बनाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा उस टाइम की महिलाएं भी हाथों और पैरों को सजाने के लिए मेहंदी का प्रयोग किया करती थी, और जो मेल्स होते थे यानी कि पुरुष होते थे वो भी अपनी हेल्थ का और अपने सौंदर्य का खास ध्यान रखते थे। और सबसे ज़्यादा तो नखूनों को यानी कि नेल्स को रंगने के लिए मेहंदी का प्रयोग किया जाता था। जैसे पुरुष के लिए 16 कलाओं को महत्व दिया गया है शास्त्रों में, वैसे ही नारियों के लिए यानी कि स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार को महत्व दिया जाता है। और 16 श्रृंगार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये चीज़ मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, किसी दिन फिर। सो मोस्टली जितनी भी इम्पॉर्टेंट और कुछ मेन बातें थी कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। एंड आज मैंने शिवरात्रि का ये मेकअप लुक किया है और बहुत ही सिंपल और एलिगेंट लुक है ये पूजा के लिए।
तो आपको ये लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे को आज पहली बार देख रहे हो, तो मैं हूँ अंजू और अपने चैनल पे अफोर्डेबल मेकअप रिलेटेड और इंडियन ट्रेडिशनल मेकअप रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और शिवरात्रि पे मेरा फास्ट था ना, तो मैंने शाम को इवनिंग में ये कुट्टू के आटे के पकौड़े बनाए थे आलू वाले, क्योंकि शिवरात्रि के व्रत में सिर्फ हम फलहार ही करके अपना व्रत खोल सकते हैं। और सिंघाड़े का आटा होता है, कुट्टू का आटा जो बेसिकली होता है वो सिंघाड़े से बना होता है, तो ये फल में ही आ जाता है एंड आलू तो ऑब्वियसली वेजिटेबल में आ जाता है। इन शॉर्ट मतलब आपको इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना होता, अन्न नहीं खाना होता, तो इसीलिए मैंने कुट्टू के आटे के पकौड़े बनाए और चाय के साथ खा के अपना फास्ट खोला और भगवान को वही भोग में लगाया था। और साथ में मैंने खीर भी बनाई थी, बट मैंने खीर नहीं खाई, वो सिर्फ भोग लगाने के लिए बनाई थी। एंड अब इवनिंग हो चुकी है, तो मैं और हमारी पूरी फैमिली हम सब जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए शिव जी के, एंड कार्तिक भी जा रहा है। अब हमारा प्यारा सा मंदिर आ चुका है एंड आई होप आपको मंदिर की ये भव्य डेकोरेशन अच्छी लग रही होगी जैसे कि मुझे अच्छी लग रही है। एंड कार्तिक और मैंने सारे भगवान जी के दर्शन किए एंड भोले बाबा जी से अपनी विश मांगी। सो गाइज, इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं डी एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फटाफट से अपना एक कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हर हर महादेव।